आज हम जो लेस डिज़ाइन सीखेंगे उसके लिए मैंने नायलॉन का थ्रेड लिया है। ये आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से एक ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पर या लोकल मार्केट में मिल जाएगा। पर्स का धागा भी इसे कहते हैं। 0 नंबर 1.75 mm की ये नीडल है। ये आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगी। मैं ये डिज़ाइन दुपट्टे पर बना रही हूँ और बहुत ही सिंपल और ईजी सी डिज़ाइन है। आप इसे ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर, साड़ी की बॉर्डर पर बना सकते हैं। सबसे पहले हमने फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेना है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे शॉर्ट्स वीडियोस पर भी विजिट करना। बहुत हेल्पफुल वीडियोस होने वाली हैं और पुरानी वीडियोस भी आप मेरी चेकआउट कर सकते हैं। कॉर्नर से, फ्रंट साइड से आपने पहले सिंगल क्रोचेट बना लेना है। इस तरीके से सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। सिंगल क्रोचेट बनाने के बाद हमें लेनी है 5 चेन। 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन लेकर फर्स्ट चैन छोड़कर सेकंड चैन के गैप में सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। नीडल डालेंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे और दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट गैप में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं? नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, नेक्स्ट गैप में अंदर जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे और तीनों धागों में से बाहर आ जाएंगे। ये हाफ डबल क्रोशे हो गया। अब नेक्स्ट गैप में बनाएंगे डबल क्रोशे, जिसके लिए नीडल पर धागा फोल्ड करके गैप में जाएंगे। तीन धागे हैं, पहले दो धागों में से बाहर आएंगे, फिर दो धागों में से बाहर आ जाएंगे। एंड द लास्ट डबल क्रोशे के बाद हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे के लिए नीडल पर 2 times धागा फोल्ड करते हैं, गैप में जाएंगे, पहले दो धागों में से बाहर आएंगे, फिर दो धागों में से और फिर दो धागों में से बाहर आएंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारे डिज़ाइन बनती जाएगी। अब जहाँ तक ये एंड हो रही है, ना कि बहुत ज़्यादा नज़दीक और ना बहुत ज़्यादा दूर, इसके लेवल पे हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इस तरीके से देन अगेन हम 5 चैन लेंगे यहीं से। 1, 2, 3, 4, 5 5 चैन लेकर सेकेंड चैन के गैप में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, नेक्स्ट गैप में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे में तीन धागों में से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट में डबल क्रोशे बनाएंगे, दो धागों में से बाहर आएंगे और फिर दो धागों में से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट गैप में ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, पहले दो धागों में से बाहर आएंगे, फिर दो धागों में से और फिर दो धागों में से। इस तरीके से देन अपने स्पेस पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसी कुछ हमारी ये डिज़ाइन बनती जाएगी। जितनी भी आपको लेंथ बनानी है इसकी, ऐसे ही आप कंटिन्यू फॉलो करोगे। एक बार फिर से थोड़े नज़दीक से देख लेते हैं। पहले हमने 5 चैन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5 5 चैन बनाने के बाद फर्स्ट चैन छोड़कर सेकंड चैन के गैप में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर उसके बाद वाले में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उसके बाद वाले में डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उसके बाद वाले में ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से और फिर थोड़े स्पेस पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ऐसे ही इसे कंटिन्यू फॉलो करेंगे। अब मैं आपको इसके थोड़ा लुक और बनाकर फाइनल लुक बताती हूँ। सो गाइज, ये है इसका फाइनल लुक। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।